चलो मिल जाऊंगा तुझसे फिर उन किताबों में हो जहां जिक्र तेरा। तो हेलो एंड फिर से स्वागत आप सभी का संगम लर्निंग स्पीड पर। गाइस आप सभी के लिए खुशखबरी है, जैसा कि आपने इंट्रो में देखा होगा आज भाई अपन डोमिनार को देखने जा रहे हैं, वापसी फिक्स करने जा रहे हैं, क्या पता डोमिनार फिक्स हो जाए। और हाँ एक चीज और बता दूं आप लोगों को कि भाई केटीएम एडवेंचर 390 को लेके भी काफी लोगों की क्वेरी आई कि भाई एडवेंचर 390 के ऊपर जाओ डोमिनार ये होता है वो। देखो मेरे को ना ऑल पर्पज गाड़ी चाहिए, मैं अगर गाड़ी ले रहा हूँ तो भाई ऑन रोड भी चाहिए, ऑफ रोड भी चाहिए। ऑफ रोड इन द सेंस उतना नहीं चाहिए क्योंकि आप अपने पास आ चुके हैं बीस्ट, तो इस बीस्ट के बाद में मुझे नहीं लगता कि मुझे ऑफ रोडिंग की जरूरत है इतनी हैवी। बाद में फिलहाल ब्लॉग स्टार्ट करता हूँ और अपन चल रहे कॉलेज, उसके बाद में दो तीन चीज़ें और सिखाऊंगा आप लोगों को, इसमें एक दो मॉडिफिकेशन और जो कि वो शेयर कर दूंगा इस वीडियो में अगर हो सकता है तो। बाकी यार देखो मैं दिखाता हूँ, रेड लाइट पर जब भी ऐसे बच्चे मिलते ना उनको पैसे बिल्कुल मत दिया करो ना। ये बच्चे क्या करते हैं कि भाई इनका काम है इनको खाने के लिए पूछ लोगे तो नहीं, मैंने ना इनको पूछा है काफ़ी बार क्योंकि मैं यही झिलमिल वाला रेड लाइट है, मैं यहीं पे काफ़ी बार आता जाता रहा, तो इनको पूछा है मैंने कि भाई क्या खाने के लिए, ना भाई खाने को नहीं चाहिए पैसे दे दो, काम भी नहीं चाहिए। हाँ काम, और मैंने ये भी पूछा है कि भाई मैं काम लगवा दूंगा चलो मेरे साथ, मैं काम बताता हूँ क्या है, क्योंकि यार चाइल्ड लेबर तो मुझे उतना पता है क्योंकि उस टाइप का काम नहीं, पढ़े लिखे टाइप से काम, जैसे पढ़ने वाले उसमें होता है ना जो बाल सुधार केंद्र, उन्होंने काम लगवाया, तो चल भाई तू पैसे भी कमाएगा और तू पढ़ेगा भी साथ में, अब बता। पर इन लोगों का है कि नहीं, KTM एडवेंचर 390, अब 390 के अपने फीचर से अपने कुछ वो है, लेकिन दोनों का इंजन स्पेसिफिकेशन दोनों सेम है, ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ा ज़्यादा KTM एडवेंचर 390 में, लेकिन हाँ जो प्राइस सेगमेंट में काफ़ी बड़ा ह्यूज डिफरेंस आता है। और हाँ KTM आई नो कि अपने प्राइस में बहुत ज़्यादा यूज है, वही चीज़ है। बाकी अभी चल रहा है फिलहाल एग्ज़ाम है अपना कॉलेज का, यहाँ से निकलेंगे और फिर डिलीवरी आज अपनी गाड़ी की, हो सकता है आज डिलीवरी हो जाए या फिर देखते क्या होता है ना, डिपेंड्स ऑन। बाकी ये अपनी फाइल पड़ी है यहाँ पे प्रैक्टिकल की, और एग्ज़ाम अपना प्रैक्टिकल चल रहा है, आप लोगों को पता ही ब्लॉग्स कम डालता हूँ वैसे तो मैं प्रैक्टिकल वाले। फिलहाल अपन निकल चुके अभी कॉलेज से और चलते हैं फटाफट से डोमिनार का सिस्टम में, देखिए घर वाले क्या बोल रहे हैं। भाई घर वालों का अलग ही सीन चल रहा है अभी थोड़ा। तो भाई अपन जा रहे हैं फिलहाल अपनी नई बाइक लेने, मैंने जैसे बताया था ना हिमालयन बेच दी अपन ने, और जैसे ही हिमालयन बेची भाई काफी लोगों का कमेंट छोड़ो यार, काफी घर से क्वेरी आई कि क्यों बेच दी तूने, है ना। बाकी यार मैं बता दूं गुल फिट भी लगा ले जरा, हिमालयन बेचने का मेरा मकसद ये नहीं था कि भाई मेरी मतलब गाड़ी की या पैसों की दिक्कत थी, ठीक है। काफ़ी लोग ये कमेंट करेंगे कि भाई हो सकता है कि तेरे पे पैसे या भाई देख ऐसे बातें, हिमालयन बेचने का मेरा सिर्फ एक ही मोड था, मेरे को गाड़ी अपडेट करनी थी कुछ बड़े सेगमेंट में, ठीक है। मतलब जो पावर चाहिए थी और वो थोड़ी बड़ी चाहिए थी, क्योंकि यार जो हिमालयन में पावर थी ना वो इतनी सफिशेंट पावर नहीं थी कि मतलब लगे मेरे को कि हाँ ये गाड़ी इतनी हैवी है। अब फिलहाल अपन जा रहे हैं अपनी दूसरी गाड़ी की डिलीवरी लेने, और आप लोगों ने इसी ब्लॉग में देखा होगा मैंने डोमिनार भी देख रखी है, और भाई डोमिनार का क्या सिस्टम हो गया, डोमिनार करनी पड़ी कैंसिल। क्यों डोमिनार भाई आ गई थी अच्छी खासी ग्रीन कलर के, अभी दिखाता हूँ क्यों। और अब जो गाड़ी लेने जा रहा हूँ डिलीवरी, हो सकता है मैंने व्लॉग में डाला हो, मैंने बुकिंग कौन सी अलग ही करी है, ये बुकिंग इसलिए भी पड़ी है मेरे पास, भली पहले इसको कराएंगे कैंसिल फिर दिखाता हूँ कौन सी गाड़ी लेनी है। और ऐसा नहीं है भाई कि बुकिंग में टाइम लगा कुछ भी नहीं, भाई डोमिनार को एक दिन में भाई ने ला के दी कि ले लो भाई गाड़ी, तो ये पंगा था। बाकी अभी चल रहे फिलहाल अपन कैंसिल कराएंगे फिर तो KTM लेंगे, और इसको ऐसी कोई बड़ी बात नहीं, ज़्यादा बड़ी पेमेंट भी नहीं थी, छोटी मोटी पेमेंट थी। अभी जा रहा हूँ KTM शोरूम इसके बाद, तो भाई ये अपना जो इसमें पेमेंट थी वो एडजस्ट हो जाएगी। अब देखो ये है अपनी ये वाले शोरूम की भाई है, चलो मैं कह रहा हूँ ये कह रहे थे कैंसिल में वही कोई दिक्कत नहीं है, कहीं भी एडजस्ट हो जाएंगे। बाकी अभी जो मैं जिस शोरूम में जा रहा हूँ वो पता दिखाओ तो मैं आपको, आप पहले भी देख चुके होंगे, ठीक है। भाई आ चुके अपन अभी KTM, यहाँ से निकालते डिलीवरी। भाई अभी फिलहाल पहुँच चुका हमें KTM, और ये है वो गाड़ी भाई जिसने सारा मतलब खेल करा है, देखा एक डोमिनार फिर ये फिर 250 200। अब हिमालयन जाके भाई ये आ रही है, इनसे पूछिए भाई कैसा एक्सपीरियंस है ये बताएंगे। तो भाई अब बताता हूँ ये क्यों क्या रीज़न था ऐसा, है ना। बाकी गाड़ी तो मैंने बहुत सेगमेंट में बहुत अलग अलग देखी, और बाकी ये एक 250 भी देखा था मैंने, लेकिन ये दो कलर आ रहे हैं इसके अंदर, ये कलर ज़्यादा बेस्ट लगा मेरे को ये छोड़ के। अब काफ़ी लोग कहेंगे भाई छपरी छपरी वो, तो भाई अपने ऊपर है।
भाई ये कर दिए टोटल पेमेंट और अब अपना काम हो गया कंप्लीट। और ये रहे अपनी फाइनल कार्ड ही भाई, अपन ने फाइनल कर दिया यहाँ पे 390 अपनी। ये देखो यहाँ पे अब इसका केक वगैरह कटेगा और इसमें दो कलर के ऑप्शन थे, बाकी तुम्हारे भाई ने जो कलर लिया ना वो काफ़ी चटक था। एक ये कलर ऑप्शन, बाकी ये भी बहुत पॉपुलर है अपने सेगमेंट में। एक ये अभी इसमें जब होगा तब दिखाता हूँ। बाकी यार देखो ड्यूक लेने का मेरा क्या ही मतलब था, अपडेटेड गाड़ी काफ़ी प्यारा लुक में। अपने आदि भाई ने केक लाया है देखो ड्यूक 390 लिख के, इस पर ना लड्डू लिखवाना चाहिए था तेरे को, ज़्यादा बड़े लगता है। और बताइयो जी बताइयो, ये हो गया ड्यूक अपनी, पहले केक काटते फिर इसके बाद में इसको खोलेंगे ना भाई। यहाँ पे केक कटिंग होने जा रहा है फटाक से भाई। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू यू। अच्छा ये लड्डू, इसका नाम लड्डू रखूँगा मैं, एसी। तो भाई इसका नाम क्या रखे आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। बाकी इसका आज है बर्थडे, एक बार डेट देखो 16 जून, ठीक है ध्यान रखना। आज ब्लॉग भी अपलोड कर दूंगा 16 जून को। कहते हैं जो पन्ने होते नहीं पूरे करते, बहुत कुछ मिल जाऊंगा तुझसे फिर उन किताबों में हो जहां जिक्र तेरा। थैंक यू, इतने पार्टी वॉर फोड़े हैं, बस थोड़ा सा एक जगह वो रह गया था, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है ना। मतलब आपको नहीं बोल रहा, मेरी मिस्टेक्स हो गया था बाकी तो मुझे पता है क्या बोल रहा हूँ मैं, लेकिन कोई नहीं भाई। तो डिलीवरी होगी अपनी डन और अब लेते इसको फटाफट, निकालते भैया निकाल दो भैया बाहर। और ये है अपनी ड्यूक 390 2023 वेरियंट OBD2 करके ना, OBD2 वेरियंट में ना भैया, E20। अच्छा इसमें 20% एथेनॉल 20% पेट्रोल, तो 2023 वेरिएंट में ये नए चेंजेस आया है ना। बाकी निकाल दो भैया चलो, और इसमें एक बार की दिखा देना जरा। अच्छा ये नंबर नहीं दिखाना, बाकी एक की के साथ में कार्ड आता है और दो की से इसकी KTM के साथ में। चलिए निकाल दो भैया इस बार। चलो जी ओके भैया, थैंक यू, अच्छा लगा, नाइस सेल्स, थैंक यू भैया। और नेक्स्ट टाइम ट्राई करूँगा भैया एडवेंचर के लिए ना, बिल्कुल हाँ पहली एडिशन। चलो जी चलते हैं फटाफट, डिलीवरी निकाल ली बाइक में ही, अपने गाड़ी में ही रखा है अपने, वो पेपर ले लिया तूने? हाँ चलो बाकी बता दो यार इसके फीचर्स वगैरह। और पावर तो भाई इसमें भर के पूरी की पूरी। चलो अब चलते घर, चल गोलू गोलू निकाले यहाँ से घर तक, और बाकी फिर घर पे पूजा वूजा करेंगे, दो तीन चीज़ें डिलीवरी होगी फर्स्ट क्लास। अब चलते हैं यहाँ से, निकालता हूँ फटाफट।
देखो यार इसमें है ना एक ही दिक्कत है, बाकी कोई भी दिक्कत नहीं इसके अंदर। फीचर्स के मामले में तो गाड़ी भरी पड़ी है पूरी की पूरी। ये देखो यहाँ पे पूरा एकदम 13 किलोमीटर चल चुकी है, मतलब अभी मैंने ली और 13 किलोमीटर चला दी, ठीक है। और क्या भगाता हूँ ना मैं इसको, मतलब एकदम खड़ी पैर पे। ये देखो बस इसमें एक ही दिक्कत लगी, देखो यार इसकी ब्रेकिंग, मतलब इसके आगे के ब्रेक उतने बढ़िया काम नहीं करते, मतलब पीछे के ब्रेक उतने बढ़िया काम नहीं करते। ये देखो आगे मैं आगे के ब्रेक तो झट से रुक जाती गाड़ी, लेकिन पीछे के उतने कैपेबल नहीं लग रहे मेरे को जितने आगे के लग रहे हैं। पता नहीं क्यों ऐसा है, लेकिन आई थॉट और भी लोग में ऐसे, मतलब वीडियोज़ में देखा है मैंने और भी लोगों की दिक्कत है, बाकी तो यार और कोई इशू नहीं है। बाकी बाइक एक नंबर है भाई, एक नंबर। KTM अपने डोमिनर छोड़ दी इसके लिए। अब देखो 1,20,000 रुपये एक्स्ट्रा पे करें इसके लिए, कोई ना कोई फीचर तो होगी ना तभी तो। बाकी क्या ही बोलूँ, पावर के मामले में एक नंबर गाड़ी है। हेलो हेलो सब आ जाओ आ जाओ, ब्लॉग भी डाल दो मैं लगा है? मुझे क्या मिलेगा? अरे क्या, अरे भाई लो अभी बैठा देते हैं उसमें, कौन सी